Hey, what's up guys? Thank you for tuning into my channel, The Fit Sardar. मैं आपका होस्ट जसविंदर सिंह. गाइस, आज के हमारे वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया कुछ ऐसे मोबिलिटी ड्रिल्स या कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग्स जो आपकी क्लीन एंड जर्क को और स्नैच को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे. जो आपका जो पॉस्चर है उसमें जो बनाना जो बहुत मुश्किल होता है, रिस्ट, खास करके रिस्ट और एल्बो का पॉस्चर होता है वो बनाना जो मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये एक्सरसाइज है. तो चलिए फटाफट शुरू करें हमारा आज का वीडियो. और गाइस, सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल द फिट सरदार. और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल बटन है उसको जरूर प्रेस करेगा ताकि आगे के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके. आइए फिर आइए, सबसे पहली एक्सरसाइज जो होगी उसके लिए हमारी पहली एक्सरसाइज के लिए हमको थेराबैंड चाहिए. अगर आपका थेराबैंड नहीं है तो इस तरीके का एक आपके पास जो रेजिस्टेंस बैंड होगा उससे हम काम चला सकते हैं. स्क्वाट लेग करेंगे, रॉड लगा है, उसमें आपने अपने रिस्ट की जो पोजिशन होनी चाहिए कुछ इस तरीके से होती, जो जैसे कि हम रॉड को पकड़ते हैं इस तरीके से पकड़ते हैं तो आपकी रिस्ट पोजीशन यही होती है. अपना एल्बो को रखा, प्रेस किया, 1 2 3 4 5 रिलीज किया. जितना आप बर्दाश्त कर पा रहे हो उतना पुश करो पैरों से और होल्ड करो, 1 2 3 4 एंड 5. दोनों हाथ से करना है, 5 5 10 10 सेकंड के 10 सेट करने हैं, 10 रैप. सॉरी, रॉड को लगा हो गया, जिस पोजीशन से यूजली हम रॉड को होल्ड करते पकड़ते हैं. लाइन के अंदर से पकड़ा, चिन के पास लाए और जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो अपनी एल्बो उतना स्ट्रेच कर, बिना बॉडी को मूव करें. होल्ड किया, डाउन, लिफ्ट किया, जितना ऊपर ला सकते हो एल्बो को फॉरवर्ड उतना लेके आएंगे, 1 2 3 4 5 स्ट्रेच लेके गए. बिना आप अपनी बॉडी को सेंसर कुछ नहीं करना, सीधा रखते हुए बॉडी को जितना आप ऊपर लेके जा सकते, 1 2 3 4 5. जब हम एल्बो को ऊपर फॉरवर्ड पुश कर रहे हैं तो इस हाथ से आपने रॉड को नीचे रखना है ताकि रॉड लिफ्ट ना हो जाए, 1 2 3 4 5. इस तरह से 5 5 सेकंड होल्ड करते हुए 10 रैप निकालने हैं आपने दोनों हाथ से. अब थर्ड एक्सरसाइज करेंगे. और थर्ड एक्सरसाइज के लिए अगर अच्छा होगा हमारे पास एक पीवीसी पाइप हो जाए, एक जो हमारे पास लकड़ी का बैम्बू होता है वो होगा, स्टिक होगी तो उससे ज्यादा ईजी होगा. और नहीं है तो आप ये अपना बारबल से कर सकते हैं. आइए इस तरह से पकड़ेंगे रॉड को, रोटेट करके अपने बॉडी के पीछे लेके जाए, एल्बो बिल्कुल सामने की तरफ रहेगी. इस तरह से पकड़ा नीचे से दूसरे हाथ से रॉड को और ट्विस्ट करना शुरू किया. जितना बैरबल है उतना आपको ट्विस्ट करना है. जहां भी लगा कि मेरा मैक्सिमम तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा और 5 सेकंड होल्ड करूंगा, 1 2 3 4 5 रिलीज, अगेन 1 2 3 4 एंड 5 अगेन रिलीज, 1 2 3 4 एंड 5. इस तरीके से आपने इसके भी 5 5 सेकंड के 10 रैप करने ईच हैंड. तो ये होगी आपकी थर्ड एक्सरसाइज. अब बात करते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की. फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. इसके लिए आपने रॉड को लेके अब आगे आ जाना है. तो इस तरह से बिल्कुल एल्बो आगे रखना, रॉड आप देखोगे चिन के पास टच करके रखेंगे और एल्बो को फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे पूरा जितना ला सकते हैं और फिर बैकवर्ड जितना जा सकते हो पूरा, फॉरवर्ड देन बैकवर्ड. और जो आप देख रहे हो मेरा रॉड जो है वो चिन के साथ टच करके रखा हुआ मैंने, चिन से नीचे ड्रॉप करके नहीं आएगा. आपने इस तरह से नहीं करना, ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको. आपने चिन के पास टच करके रखनी है, एल्बो को मैक्सिमम लिफ्ट करके लाना है जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो अपने एल्बो को और फिर वापस बैकवर्ड जितना मैक्सिमम आप चिन के पास टच करते हुए रख के जा सकते हो, 1 2. इसके 5 5 से 10 रैप निकालने आपने. ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज थी. अब बात करते हैं हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज करते हैं. उसके लिए आपको स्मिथ रॉड, स्मिथ मशीन में रॉड को उसके मैक्सिमम हाइट पे फिक्स करना है और आप इसमें अपने स्कैपुला को मूवमेंट देंगे, स्क्वीज करेंगे और स्ट्रेच करेंगे जितना हो सकेगा. अपने एल्बो को आपने एक्सटर्नल और इंटरनल मूवमेंट देना जितना हो सके. मैं इस तरह से करके काम ताकि आप मेरा स्कैपुला देख सको, थोड़ा सा नीचे बेंड हुए और एल्बोज को एक्सटर्नल रोटेट किया, होल्ड किया, फिर इंटरनल होल्ड अगेन. जितना मैक्सिमम जा सकते हैं एक्सटर्नल रोटेट करके होल्ड करिए, एल्बोज को पीछे तरफ पुश करना है आपने, पुश किया, होल्ड किया, वापस रिलीज, पीछे एल्बोज को पीछे तरफ रोटेट करते हुए एक्सटर्नल होल्ड करना है देन रिलीज. इसके भी आपने 5 5 सेकंड के होल्ड करते हुए 10 रैप निकालना है. सिक्स एक्सरसाइज जो हमारी होगी उसके लिए हमको रॉड चाहिए. वापस जाएंगे, रॉड लेंगे, कोई भी एक रॉड, जैसे शोल्डर रॉड लेंगे
और वापस हम अपनी स्मिथ मशीन पे स्क्वाड रैक पे जाएंगे। इसके लिए आपको पीछे से देखना पड़ेगा, तो रॉड को हमने अपनी शोल्डर वेट से होल्ड किया, जैसे हम क्लीनर जग के लिए होल्ड करते हैं इस तरीके से। और अब अपनी एल्बोज को मैं इस रॉड पे रखूंगा और जितना हो सके उतना पुश करूंगा ताकि अब मेरा एल्बो ऊपर फॉरवर्ड बेंड हो सके, स्ट्रेच हो सके, और साइड से कवर करेंगे इसको। इस तरह से गए, एल्बोज को रखा और ज्यादा हाइट पे नंबर नीचे लाएंगे। क्या होल्ड किया इस पर और स्क्वाट करना शुरू किया जितना आप स्ट्रेच कर सको, होल्ड देन वापस रिलीज, नीचे का स्ट्रेच करते हुए होल्ड किया थोड़ा रिलीज अगेन रिलीज। ये थी आपकी सिक्स एक्सरसाइज। अब ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी, तो आपने रॉड को जैसे होल्ड किया अपनी क्लीन एंड जर्की पोजीशन से लिफ्ट करके सामने लाए और फ्रंट स्क्वाट करते हुए बैठ। अब आपने क्या करना है, सेम एल्बोज को लिफ्ट करके लाना है, स्ट्रेच करना है इस तरह से, मगर इस बार क्या करेंगे हम एल्बोज के साथ अपनी नीज को भी फॉरवर्ड बेंड करेंगे और स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम, ठीक है। इस तरफ पर होल्ड किया, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरफ पर वन टू थ्री फोर फाइव, अगेन वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फिर वन टू थ्री फोर एंड फाइव, इस तरह से स्ट्रेच करना और ये आपकी सेवंथ एक्सरसाइज होगी। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, कुछ ऐसी एक्सरसाइजें या कुछ ऐसे मोबिलिटी ड्रिल्स जो कि आपकी क्लीन एंड जर्क और स्नैच को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। और अगली एक्सरसाइज, अगला जो वीडियो हमारा हम लेकर के आएंगे उसमें हम क्लीन एंड जर्क का ट्यूटोरियल लेकर के आएंगे। तो गाइस स्टे ट्यून्ड इन, और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें उसको यूट्यूब पे द फिट सरदार, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आगे के आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक और कमेंट करके अपने रिव्यूज दीजिए मुझे, अपने फीडबैक दीजिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।